बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। नासरीन, हमारी भी यही दुआ है कि आप यही सदा हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारते रहें। नासरीन, आज का जो हमारा उन्वान है, नासरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छह किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर मैंने, अल्लाह सुबहान व तआला ने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी है। वो कौन से ऐसे छह किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक ने, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी है? वो ये हैं। पहला, अल्लाह सुबहान व तआला की किताब यानी कुरान पाक में इजाफा करने वाला। जो अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाले पर अल्लाह पाक ने लानत भेजी है। इसी तरह अल्लाह की तकदीर को झुठलाने वाला। इसी तरह तीसरा है, अपनी ताकत के जरिए गलबा हासिल करने वाला ताकि उसके जरिए उन लोगों को इज्जत दे जिसको अल्लाह सुबहान व तआला ने जलील कर दिया हो और उन लोगों को जलील करे जिसको या जिनको अल्लाह सुबहान व तआला ने इज्जत बख्शी हो। इसी तरह चौथा वो शख्स है कि अल्लाह सुबहान व तआला की हराम की हुई चीज़ों को हलाल बना लेने वाला जो है, उस पर भी अल्लाह ने, हमारे नबी ने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी है। इसी तरह अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कुंबे में से अल्लाह सुबहान व तआला की हराम की हुई चीज़ों को हलाल बना लेने वाला और मेरी सुन्नत को छोड़ देने वाला। नाज़रीन, छठा यानी वो शख्स है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दे। इन छह किस्म के जो लोग हैं, इन पर अल्लाह पाक ने, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी है। नाज़रीन, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।